सो मैंने खुशी को एक्चुअली कॉल कर दी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आते पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक्चुअली मेरा भाई आया हुआ है एक दिल्ली से, बट वो मेरे लिए कुछ सामान लेके आया है, इसलिए यार यहाँ पे कोई जानने वाला है नहीं, आईएसबीटी की साइड वो जा नहीं सकता, रिचपना पुल है, तो मैंने उसको बोला फाउंटेन चौक तक चला जाओ, तो तुमको सामान देगा, उससे कुछ सामान ले लेना। नींद में है भाई, नींद में, फुल नींद में है, तुम देख सकते हो, लो लो देखो यार, तुम फुल नींद में है, मां कसम मुझे लग रहा है भाई मुंह भी नहीं धो के आई अभी खुशी बिचारी, यार इसको मैंने परेशान कर दिया, अभी देखते हैं यार। हेलो, हाँ यार मेन चौक पे तो कोई है नहीं। कोई है नहीं, एक मिनट रुको, होल्ड रखना, मैं फोन कर रहा हूँ उसे। उसमें कोई नहीं है, खाली है शायद। अरे देख तो लो क्या पता, देख तो लो क्या पता अंदर लेटा हुआ हो, ऐसा है कभी अंदर लेटा हुआ हो। मैं ढूंढने को जमाने हेलो जी, वी आर बैक इन अनदर व्लॉग भाई। सो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठंड ठंड देखो भाई, वेलकम टू ठंडा व्लॉग भाई। मैं कह रहा भूल गया था यार आज, खैर अब बोल दूंगा। तुम्हारे भाई ने ले लिया भाई नई जैकेट भाई, इसी में सर्दी रुकेगी सीरियसली। हुड वुड में तो भाई मैं कह रहा हूँ फेफड़े तो खावा जाती है यार, मैं थक क्यों रहा हूँ उतना। ओह मैं एक्चुअली नीचे से चढ़ के आया हूँ यार, बहुत तेज तेज बहुत तेज भाग के आया हूँ, मतलब मेरे को लग रही थोड़ी जल्दी क्योंकि मैं निकल रहा हूँ अभी, क्या टाइम हो गया है तो भाई अभी टाइम हो रहा है 8:10, यानी देहरादून पहुँच जाएंगे हम 10 बजे तक। एक्चुअली बाइक फाइनली बिक गई है, क्या हो गया यार मुझे, पूरा ठीक हाँ भाई मैं बात कर रहा था, एक्चुअली बाइक हमारी सेल हो गई थी कल, यानी कितनी तारीख को, 4 तारीख को, हम 3 तारीख को हमारी बाइक सेल हो गई थी। तो भाई अभी सैड सैड भी बहुत हूँ और खुश भी बहुत हूँ, बाइक भी सेल हो गई, दूसरी बाइक आने वाली है, देखते हैं जैसे भी होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा यार। पापा आज सुबह थोड़ा मूड ऑफ है पापा का, कह रहे थे भाई मुझे टेंशन हो रही है ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा सा बोल रहे थे, बट सीरियसली मेरे को भी यार टेंशन हो गई, अभी मैं इतना हैप्पी था बहुत ज़्यादा, मैंने कहा यार देहरादून जा रहा हूँ, कुछ व्लॉग्स व्लॉग बना लेंगे, देखेंगे यार। एक्चुअली मैंने अलबाब को कॉल तो किया था बट उसका नंबर लग नहीं पा रहा है, वहीं जाके कॉल करूँगा उसको, अगर उसने अपनी बाइक दे दी उसके बाद R15 है तो दोनों में से जो भी मिल गई यार हम व्लॉग्स व्लॉग अपना बना लेंगे। अब ब्रेकफास्ट कर लिया यार, डकार वकार आ रही, मैं लेने दो यार मेरे को। एंड आज पापा बोले सुबह की भाई बाइक मत ले, ऐसे बोल दे सीधा बाइक मत ले, पैसे वैसे नहीं है। मैंने कहा है, मैंने कहा बेचो फिर 1 बीघा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बहुत मारेंगे पापा हैं, तो ऐसा नहीं है यार, देखते हैं जैसे भी होगा यार। बट अब सुबह सुबह मेरे को हो गई टेंशन, इतना अच्छा खासा मेरा मूड था, फिर मैंने मुँह हाथ धुला, मुँह धुलने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा व्लॉग्स व्लॉग स्टार्ट कर ले अपने घर से ही, बाकी मम्मी अभी बना रही है नाश्ता वास्ता, मतलब और बना रही है अभी मेरे लिए, तो सुबह सुबह बना दिया था क्योंकि आज मुझे जाना था। और अभी देखते हैं यार क्या सीन होगा, कार से चलते हैं, अगर कार से व्लॉग बना तो आपके लिए कार वाला व्लॉग मिल जाएगा, और अगर बाइक वाइक वहाँ जाके मिली तो बाइक से बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो तुम हो ही प्यार देने वाले, लव यू हो गए सबको, मैं जैसे भी बनाऊँ घोड़ा बग्गी में बना लूँ बैठ के, इसमें भी तुम लव शॉप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। सो यार अभी मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो हेलो जी, अभी पहुँच चुके हैं भाई मामा के सैलून, आप देख ही सकते हो भाई, और ड्राई शर्ट लगवा ली, सुबह तो मुँह बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, नहा के मैं आया नहीं था, फाइनली यहाँ पे आके नहा लिया और फेस वेस वॉश कराया भाई। बीच में मतलब व्लॉग व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा लेवल का कोहरा हो रहा था हमारी साइड, और तुम्हें पता है यार नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, तो नज़र मेरी हटती नहीं है, बस एक ही बार हटती है, तुम्हें पता ही है कब हटती है। खैर कोई बात नहीं, चलती रहती है यार प्राइवेट बातें। सो अभी मामा के सैलून पहुंच चुके थे, ना तो अभी मामा है ना ईशान है, ईशान अभी और मामा आने वाले हैं बस रास्ते में, ये भी बातचीत तो हुई है उनसे। और अभी मैं सोच रहा हूँ खुशी के पास जाऊँ, खुशी के पास एक मतलब उसको सरप्राइज़ देते हैं ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं है, मम्मी से मेरी बात भाई साहब स्प्लेंडर मैं कह रहा हूँ, पता नहीं भाई इसने क्या कर रखा है, कुछ नहीं मुझे खुद भी नहीं पता। बाकी यार खुशी की मम्मी से बात हुई थी सुबह, मैंने कहा मैं आऊँगा और सरप्राइज़ दूंगा उसे, मतलब सुबह नहीं रात हुई थी, रात मैंने कॉल की थी, खुशी को भी कॉल की थी बट उसने उठाई नहीं, फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कहा चल छोटा सा एक सरप्राइज़ देते हैं। बाकी आज एक लड़की से आपको और मिलवाने वाला हो, बहुत ही मतलब हो सकता है इस व्लॉग में मिल जाए वरना नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलने वाली है, आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मतलब मैंने आज तक वो लड़की आई नहीं है व्लॉग व्लॉग में, तो आज मिलवाने वाला हूँ, बहुत अपने लिए बहुत कहते हैं ना
बहुत अच्छी लड़की है सीरियसली। बाकी मजा आने वाले गाइस, बने रहना व्लॉग में एंड कुछ का रिएक्शन देखेंगे क्या रिएक्शन होगा, उसको फर्क फर्क पड़ता भी नहीं है, ये ऐसे ही बस नाम नाम की फ्रेंडशिप रखी हुई है। बाकी अपनी इधर खड़ी है गंदी सी, मतलब गंदी वैसे बहुत अच्छी है भाई, लैम्बो है अपनी है। बाकी भाई धूल वूल लगी हुई है इसके अंदर, और मैं तुम्हें दिखाऊँ यार एक्चुअली तुम देख रहे होगे इधर हेलमेट वगैरह रखा हुआ है, बैग वगैरह रखा हुआ है, और मेरे ग्लव्स से पड़े हुए हैं। वो इसलिए मैं लेके आया था क्योंकि मुझे लगा शायद यहाँ पे आके बाइक से बना लेंगे व्लॉग, बट अलबाब का नंबर लग नहीं रहा है और आसिल जो उसका भाई है वो अभी बाहर है तो कोई चांस नहीं है बाइक मिलने का। मैंने सोचा चलो आज कारोबार से ही बना लेते हैं यार। अभी तुम्हें एक चीज़ दिखा देता ना, तुम हंस हंस के पागल हो जाते हैं सीरियसली। बाकी देखते हैं यार आज का क्या सीन होगा, अभी कुछ प्लान है नहीं, अभी पहले खुशी को सरप्राइज़ देना है एंड उसके बाद आपको एक लड़की से मिलवाने वाला हूँ, वो इसी व्लॉग में ऐड कर देंगे या फिर नेक्स्ट व्लॉग में देख लेंगे जैसे भी होगा। ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाएंगे, बस 8 से 10 मिनट का अपना व्लॉग रखेंगे। तो यार अभी फटाफट से निकलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा खुशी के पास। सो भाई अभी पहुँच चुके हैं खुशी के गली के बाहर, तो मतलब अभी हम बच्चों के फाउंटेन चौक, तुम्हें पता ही है भाई जो देहरादून में रहते हैं फाउंटेन चौक है कहाँ। सो मैंने खुशी को एक्चुअली कॉल कर दी थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आते हुए मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक्चुअली मेरा भाई आया हुआ है एक दिल्ली से, बट वो मेरे लिए कुछ सामान लेके आया है इसलिए यार यहाँ पे कोई जानने वाला है नहीं, आईएसबीटी की साइड वो जा नहीं सकता, रिचपना पुल है। तो मैंने उसको बोला फाउंटेन चौक तक चला जाओ तो तुमको सामान देगा, उससे कुछ सामान ले लेना। कहने लगी यार तुम ही ले लेते आगे। मैंने कहा मैं कैसे हूँ, मैं अभी शोरूम वोरूम पे हूँ, मैंने झूठ बोला उससे। और अभी वो आ रही है एक्चुअली, कह रही घर के कपड़ों में। मैंने कहा कुछ शादी वादी में जा रही है यार, लड़कियों के बड़े मसले हैं यार, और हम ऐसे यार अगर हमें कोई कह देना कि यार चला शू वहाँ तक जाना है कुछ गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है यार, अपनी चप्पल पहनी ना चप्पल में ही चल लेते हैं, लोअर पहन के यहाँ गर्मियों में अगर किसी ने कच्छा पहना है ना तो उसमें ही भाग जाते हैं मिलने भाई, ऐसे होते हैं लड़के। और लड़कियों को चाहिए भाई सामान लेने के लिए भी कोई फेस पाउडर हो, क्रीम व्रीम हो, फेयर एंड लवली है, लिपस्टिक विपस्टिक हो, यही ड्रामे रहते हैं। सो एक्चुअली अभी देखते हैं वो आ रही है, अभी मुझे वैसे पीछे कहीं दिख नहीं रही है इसलिए मैंने गाड़ी थोड़ा साइड में लगाया, एंड फेस थोड़ा सही नहीं आएगा, थोड़ा ब्राउन आएगा क्योंकि अंदर का इंटीरियर ब्राउन है कार का, तो हुई में ब्राउन है, ऊपर से इंटीरियर ब्राउन दे रखा है तो हो जाता है यार ब्राउन मुंडे गाना चलाने चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, यानी यार अभी मम्मी को मैंने कॉल कर दी थी रात, मम्मी को सारा प्लान पता था, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि मैं निकल गई हूँ क्योंकि आज उनकी मीटिंग वगैरह थी, वैसे वो 1 बजे जाती है ऑफिस, तो बोल रही थी घर वर जाओगे आप। मैंने कहा घर नहीं जाऊँगा, टेंशन ना लो, क्योंकि थोड़ा मकान मालिक है ना तो कह रही थी थोड़ा गलत समझेंगे। मैंने कहा तुम टेंशन ना लो, पहले से मैंने प्लान कर रखा है, उसको बाहर बुलाऊंगा मैं, और इतना यार अपने अंदर भी माइंड है, देखो जैसी उनकी रिस्पेक्ट है ऐसी हमारे रिस्पेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, फैमिली की तरह एक फैमिली रहेंगे हमेशा। अभी जरा फटाफट से आ जाए, रिएक्शन देखते उसका क्या होता है, रिएक्शन भी देगी या नहीं मैं चाटे बजाऊंगा उसके, अगर नहीं रिएक्शन दिया उसने सीरियसली मजा आने वाला है। अभी बने रहना व्लॉग में, अब मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तुम किस साइड हो अभी फाउंटेन चौक के? अच्छा वो ना यहाँ पे खड़ा है फाउंटेन चौक पे खड़ा है, मैं कह रहा था जहाँ पे मतलब वहाँ पे और भी खड़े हैं जहाँ पे बस वगैरह रुकती होगी, यहाँ पे कोई वो होगा। अच्छा फुआरा के पास? हाँ फुआरा के पास। अच्छा किसमें है वो? वो बाइक पे ही है शायद। हाँ आ जाओ। सो भाई खुशी आ रही है अभी पीछे से, और अभी हम कैप वैप लगा लेते हैं, पता नहीं यार पहचान ना ले बस, अभी देखते हैं रिएक्शन क्या होगा सीरियसली। अभी मेरे बराबर से निकलेगी, पता नहीं राइट से निकलेगी लेफ्ट से, अभी सीधे निकलेगी। ये जा रही है अभी कॉल करेगी यार कहाँ है, मैंने कहा तुम्हें दिख नहीं रहा यार वहीं तो खड़ा हुआ है वो, अभी देखो कैसे नींद में है भाई, नींद में फुल नींद में है, तुम देख सकते हो, लो देखो यार तुम फुल नींद में है, माँ कसम मुझे लग रहा है भाई मुंह भी नहीं धो के आई अभी खुशी बिचारी यार, इसको मैंने परेशान कर दिया। अभी देखते हैं यार अब इसकी कॉल आएगी मेरे पास फिर से दोबारा से मुझे लगता है नंबर नहीं लग रहा, मैं आ गई बहन की आ गई, इतना ही जूम। हेलो हाँ यार मेन चौक पे तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, एक मिनट रुको होल्ड रखना मैं फोन कर रहा हूँ उसे। भाई मजा आने वाला है सीरियसली, अरे तुम्हारा भाई पड़ा हुआ है यहाँ है आराम से, अभी दिख नहीं रहा उसको, अभी मैं बोलूंगा आराम से। मैंने कहा जिस गली से तुम आए हो उसमें स्विफ्ट डिजायर खड़ी है और वो उसी में के अंदर ही है, तो अभी ना बहन की आंख फूट तो नहीं गया, अरे देख तो नहीं लिया इसने माँ कसम। हेलो हाँ तुम किधर खड़े हो?
किधर खड़े हो तुम? व्हाइट कलर की कार, व्हाइट कलर की कार होगी, यूके 089 कुछ ऐसे करके होगा। अरे जो जो तुम्हारे तुम्हारा रास्ता जाता है उसी में ही, उसी में जो तुम्हारा रास्ता जाता है, जो मेरे घर वाली गली है, हाँ उसी उसमें ही कह रहा कार खड़ी है इधर कोई, मतलब व्हाइट कलर की यूके 08 कुछ ऐसे करके नंबर है, स्विफ्ट डिजायर है। हाँ तो इसमें देख लो, अरे देख तो लो क्या पता, देख तो लो क्या पता अंदर लेटा हुआ हो, ऐसा है कभी अंदर लेटा हुआ हो एक बार। ज्यादा हो गया था मैं ढूंढने को जमाने बैठो, आ जाओ बैठो, अरे बैठो ना क्या हो गया कैसा लगा? मैं तो पहले कह रहा था ना नहाई है ना मुंह धोया है, ऐसी आ गई भाई। अच्छा बैठो अंदर आओ, बैठ जाओ। हंसी क्यों आ रही है? कैसा लगा वैसे सरप्राइज? बहुत गंदा, मतलब गंदा सरप्राइज क्या? रात मैंने तुम्हें कॉल की थी, फिर मेरे माइंड में आया कुछ खुरापाती, मैंने मम्मी को कॉल की, मैंने कहा मम्मी ऐसे से बात है खुशी को बताना मत। पहले मैंने बोला मम्मी को 9:30 बजे, मैंने कहा मम्मी खुशी की भी मिली हुई है। हाँ जी मम्मी भी मिली हुई है तो अभी सुनो तो, फिर मैंने मम्मी को 9:30 बजे कॉल किया, मैंने कहा मम्मी मैं कल आऊंगा और खुशी को बता देना। फिर मेरे माइंड में फिर 10:30 बजे मेरे कीड़ा चढ़ा कुछ माइंड में, मैंने कहा मम्मी बताना मत मैं सरप्राइज दूंगा तो क्या कुछ हाँ यार तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई, क्रीम नहीं लगाई, आईलाइनर नहीं लगाया, मस्करा नहीं लगाया, फाउंडेशन नहीं लगाया, प्राइमर नहीं लगाया, और क्या फिक्सर नहीं लगाया, सब चीजों के नाम पता है भाई। बस ठीक हो ठीक हो रहा है यार, चेहरा तो सही हो रहा है इधर तो देखो, हेलो हाय तो कर दो यार, सब देख रहे हैं तुम्हें। आए नींद में कैसा लगा सरप्राइज? सॉरी हाँ तो तुम मेरे बराबर से तो निकल के गए आराम से, तो मैं वीडियो बना रहा था सारा रिकॉर्ड किया हुआ है। बोला था रिएक्शन तगड़ा था भाई खुशी का so, लड़के जा रहे मैंने सोचा कोई इनका भाई होगा, मैं तो रोकने वाली थी एक लड़के को, वही चाटे ना बस्ते तुम्हारे मुंह पे हाँ तो मत दांत मत फाड़ो इतने मैं एक लड़के को रोकने आई थी भाई, रुक जाओ आशु को भाई है, ओए रुक जाओ यार रुक जाओ आशु को भाई है, कहते कौन आशु। सो अभी भाई मजा आ गया सीरियसली, तो अभी खुशी से मिल लेते हैं, थोड़ा बड़ा बातचीत कर लेते हैं व्लॉग श्लॉग के लिए, देखते हैं आगे का क्या सीन होता है, तो मिलते यार गाइज आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, लव यू हो गया सबको।